तेरे की। ऑल राइट बॉयज, तो आज है 11 तारीख, विजय दिवस के उपलक्ष में हमारे एक राइड रखी गई है। दिल्ली के राइडर्स काफ़ी ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ हम राइड कर रहे हैं। तो हमारे साथ है एक ही बाइक, एक ही हमारी होंडा, साथ में इंटरसेप्टर रॉयल और काफ़ी लोग हैं। तो आगे तक मतलब 1.5 किलोमीटर तक लाइनअप है पूरा, लेकिन हम अपनी टीम के साथ राइड करेंगे। तो विजय दिवस के उपलक्ष में अपनी टीम के साथ हमें चलना है। तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है, लगभग 2000 के अराउंड जो है राइडर्स है। चलो आ जाओ, हमारे आगे टीम लीड कर रहे हैं एडवेंचर क्रू राइडर के लीडर जो कि आकाश भाई है, ये भी हमारी टीम के मेंबर ही है। ऑलराइट बॉयज, तो फ्लैग ऑफ हो चुका है मेरी जान, और भाई सीन कुछ ऐसा है। तो हम चलने वाले हैं दो लाइनों में, एक राइट एक लेफ्ट, क्योंकि और ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हमें लाइन में ही चलना है। और इधर जो है इनके क्रू सारे लगे हुए हैं, सभी को जो डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि कि जो कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो राइड करने में और ना ही हमें प्रॉब्लम हो। सो हम ऐसे ही चलते रहेंगे लाइनों में, और भाई एक से एक बिंदास, एक से एक बढ़िया बाइकें लगी हुई है लाइन में ना। सो गाइस, लगभग ना इस राइड में जो है लगभग 2000 के अराउंड राइडर्स आ रखे हैं पूरी दिल्ली से, दिल्ली से भी और गुड़गांव से भी, बाहर से भी। पीछे से क्रू मेंबर्स ने बोला था कि भाई आप दो लाइन में चलना, देख लो भाई दो लाइन में ही चल रहे हैं, बाकी थोड़े लोग आगे पीछे हैं पर मतलब बराबरी से नहीं चल रहे, बाकी हाँ ठीक है चल रही है। गुजरात नंबर जो आगे हमारी बाइक ही जा रही है, हमारे ग्रुप के बाइक है, साथ में ही हमारी होंडा आइनस, हमारे संदीप भाई चलाते हुए बड़े भाई, और इधर पुलिस का भी पूरा सपोर्ट मिलता हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सो बॉयज, इतनी अरेंजमेंट है ना भाई इस टीम की, आज जो है जितनी भी अरेंजमेंट की गई है सारे ग्रुप्स के द्वारा, मतलब काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, मेरे को आइडिया भी नहीं है कितने ग्रुप है। ये अराउंड 2000 के अराउंड मेंबर है, दो से प्लस ही होंगे, तो आइडियली से बोल रहा हूँ मैं, आइडिया से बोल रहा हूँ 2000 मेंबर आए होंगे ये जो बाइकर्स हैं। बाकी अरेंजमेंट इतनी की गई है, देखो भाई क्रू मेंबर्स ये मेरे राइट में गए हुए हैं, बिल्कुल टीम है जो अच्छे से सबको लीड कर रही है कैसे हमें चलना है सड़क पर, क्योंकि भाई हमें भी प्रॉब्लम ना है और दोस्तों को भी प्रॉब्लम ना हो। देखो साथ में भी खड़े हुए थम्स अप देते हुए, क्या बात है, क्या बात है भाई, दिल खुश हो जाता है ना ये सब चीज़ें देख के। मैं जिनके साथ था वो आगे निकल चुके हैं, एक ये बाइक चल रही है मेरे लेफ्ट में, ये साथ में भाई, जो मेरे राइट में ये बाइक देखो भाई, क्या मस्त थीम दिया हुआ है बाइक को ना, एक नंबर का थीम दिया हुआ है ये। वैसे तो रॉयल एनफील्ड की बुलेट है, बाकी भाई इसको इस तरीके से डिजाइन कराया पेंट थीम, भाई साहब गोल्डन लुक है पूरी, गोल्डन और ब्लैक, इतनी खतरनाक लुक आ रही है हद से ज्यादा। मैं इसके पीछे ही चल रहा हूँ देखने के लिए भाई कितनी मस्त लग रही है। भाई अभी बाइक झोंक गई थी, भाई बाइक झोंक गई थी, देखो क्रू मेंबर उसको बोल रहा है भाई सही से चला, उसने अभी ब्रेक मार दी ना, मेरी बाइक झोंक गई थी बीच, बच गई भाई बच गई। एबीएस यार, एबीएस ना बड़े काम की चीज़ है, अभी मेरी बाइक ना पीछे से फ्लक्चुएट हो गई थी, हिलने लगी थी। गाइस ये जो मेरे लेफ्ट में चल रही है ना, इसकी एक मेरी रील डालूंगा इंस्टाग्राम पे, इतनी भाई मस्त बाइक है, अभी तो कुछ नॉर्मली लग रही होगी, बाकी रील डालूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, बाकी बायो में लिंक मिल जाएगा, देख लेना कैसी रील है, क्या मस्त बाइक है ये, खर्चा क्या है भाई बंदे ने,
दिल खुश हो जाएगा जब देखोगे ना। क्या बात है, KTM ड्यूक चलाते हुए एक बार देख तो लूँ। अरे वाह भाई, लेडीज भी ना किसी से कम नहीं है, लोग बोल तो देते हैं वुमन वुमन। बाकी देखो वुमन आगे बुलेट राइड कर रही है, वाह भाई वाह, दो वुमन एक साथ राइड कर रही है। तो गाइस देखो, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, हम जो बाइकर्स इकट्ठे हुए हैं, ये इंडिया के लिए प्यार है, क्योंकि नॉर्मल डेज में ये इकट्ठे नहीं होते इतने। आज विजय दिवस है ना, तो इस वजह से ये लोग हमारे बीच में इकट्ठे हुए हैं और सारे मिलकर राइड कर रहे हैं मोजोलैंड मुरथल, दिल्ली टू हरियाणा मोजोलैंड मुरथल के लिए हम सब राइड कर रहे हैं। हमारे अलावा और भी लोग वहाँ पर जो हो, मतलब डिफरेंट लोकेशन से आ रहे होंगे, हरियाणा से या फिर और भी, बाकी बहुत जगह है। शायद ये हमारे ग्रुप के मेंबर है और इनके नहीं 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 ये नहीं है, हमारे ग्रुप के लोग यार काफ़ी आगे चले गए, काफ़ी आगे। ओ तेरी की ओ भाई साहब, उठ जाओ भाई। एक्सीडेंट हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया। भाई ठीक हो ना? तो भाई एक्सीडेंट हो गया है अभी, चलो कोई नहीं, बच गए भाई, लगी नहीं है इनको। तो यार थोड़ा भीड़ में ना ऐसे होता है, तो थोड़ा हिसाब किताब से चलना पड़ता है। ओहो क्या हो गया, वही जैसी वजह है ना, थोड़ा दूरी बना के रखना होता है। अभी पीछे उनको लग भी गई होगी यार, दुआ कि उन्होंने सेफ्टी गियर्स पहने होते हैं, सबने अच्छी जैकेट, और उनकी स्पीड मतलब ज़्यादा तो नहीं थी, आइडिया लगा सकता अभी 60 की स्पीड चल रही है तो ज़्यादा है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी भीड़ में यार ऐसा हो जाता, कोई किसी को कट मार देता कोई किसी को, तो उस वजह से हैंडल अलझने की वजह से या फिर सडन ब्रेक की वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो होप करता हूँ भाई उनको ज़्यादा ना लगी हो, ना उनको बाइक की लगी हो। अभी पीछे भी मेरे साथ सीन हो गया था हल्का सा, तो मैं तो बच गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं था, मेरे आगे जो था बंदा उसने ब्रेक मार के ट्रक वाले को बोल रहा है कि साइड कर ले, तो भाई मैंने तभी ब्रेक लिया, मेरा तो ABS है, तो इस वजह से बाइक फ्लक्चुएट जरूर हुई थोड़ी पीछे से, बाकी मैं गिरने से बच गया, नहीं तो उसी में ठुकती यार जाके वो तो बंदा बच जाता, पर मैं चला जाता। सो गाइस वो रही अपनी लोकेशन मोजोलैंड, शायद वो हो सकता है, मेरे को तो वही लग रहा है, हाँ शायद वही है, वही है, क्योंकि यूटर्न लेके हमारे राइडर सारे हो भाई, वो पहले से भी इतनी भीड़ है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा, क्या बात है। नई नई मशीनें देखने को मिलेगी आज, नई नई मशीनें, हमें लेना है यू टर्न।